प्याज काटनी है, दो तो कटो। मेरा ये पूरा छिलका तो उतारना है ना, ये देखिए ये छिलका उतार, ये देखिए बाबा ऐसे मिट्टी में हाथों में जाएगी नहीं जाती बेटा। हाँ सही कह रहा है वो, आंखों में पड़ता है प्याज, कमरे में ना काटें। बस ये खत्म हो गया, अब प्याज बात तो ही काटें। ये बस ये देखिए, ये आज हमने क्या बनाना है, कौन मजेदार चावल। ये देखिए ये दो अदद प्याज, चला ये लहसुन, इसे छील के फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे छीलना, ऐसे छीलते हो तो ऐसे छीलते हैं, ऐसे छीलते हैं इसको, ऐसे करके यहाँ से करके इसको, और ये अच्छी इस तरह आराम से छील रहा था ना ये। ऐसे कर ले, कहाँ चला गया, इसको ऊपर थोड़ा सा काटते हैं ना, काट के इसको हल्का सा इधर से ऐसे करते हैं कि ये छिलका बड़े आराम से उतर जाता है, ऐसे है ना, उतर जाता है ना। आज मेरा बेटा बाबा साहब मिलकर क्या बनाएगा, मटर और गोश्त वाले, ऐसे है ना, चिकन वाले, चिकन। अभी हम मेरे बेटे चिकन भी बनाना है ना, चिकन ही बनाए। सुभान बता रहे, सुभान हमने क्या किया है, लहसुन हमने काट लिया, अब हम क्या कहते हैं जो बोनलेस गोश्त लेके आए हैं वो हम काटेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे किस तरह चावल बनाते हैं, ठीक है। चलो आओ चलें, अब यहाँ से उधर सामान रखें, अब किचन में चलें। नहीं ऐसे ना बोलें, ऐसे बोलें जब बीवी बीमार हो तो हस्बैंड कैसे चावल बनाते। सच्ची बात बताए, सच्ची बात। हाँ घर के काम करने चाहिए ना, लेकिन बताना तो बीवी ने ना किस तरह बना लिया, मुझे क्या पता किस तरह पकाते हैं, साथ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तब भी। चलो ये हो गया ना, अब गोश्त में बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखें ये बोनलेस चिकन, ऐसे बेटा ये बोनलेस चिकन है ना, मेरा मोनिका, मेरा बेटा मैं दादा बुक दुकान से लेके आया ना, ये टमाटर, ये मिर्च, ये प्याज, ये अदरक और ये फ्रीज किए हुए मटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टमाटर इधर रख देते हैं, मिर्ची इधर रख देते हैं, ठीक है ना, और इसको काटेंगे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करेंगे इसके। किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं है ना, थोड़ी वगैरह कुछ चीज़ ना, या कब हम सीधे ये देखें आप इसको इस तरह, हम ये आराम से रखें ना इस तरह, चॉपिंग बोर्ड है ना उस पे कर लेते हैं, कटिंग बोर्ड पे इधर बैठ हम कर लेते हैं। सुभान अब इधर से पकड़ो, सुभान बेटा पकड़ेगा और बाबा आराम से, नहीं ऐसे सुभान को ना पकड़ाएं, इसकी बोटियां कर लें, बाद में जब मसाले में भून जाएगा ना ये, बाद में रेशे रेशे हो जाते हैं इसके भून के। ये देखा उसके, चले ये बोटी करके दिखाते हैं, इससे ज्यादा हो या और बारीक करना भी थोड़ा सा करें, बारीक
आप लोग भी करते हैं मम्मी की? नहीं करते। दिखाएं। हाँ ठीक है बस चलें। बिस्मिल्लाह। आप देखें सबसे पहले हम प्याज डाल रहे हैं। हाँ। ऐसे पहले प्याज डालना। पहले प्याज। ये प्याज आ गए। हाँ प्याज डाल दे। इसको अब सैर पे कर दो। हाँ। फिर लहसुन की बारी आ गई। हाँ। अच्छा की बारी। इसको पकड़ो सुबह। अब क्या करना है? मटर डालने? हाँ, मटर अभी नहीं डालने। टमाटर पहले मसाला भूनना है। टमाटर भी डाल दें, इकट्ठे डाल दें, सारा कुछ आसानी हो जाएगी आपके लिए। इकट्ठा मसाला तैयार हो जाएगा बस। सारा कुछ लहसुन प्याज टमाटर हर चीज नमक मिर्च। हाँ। सब कुछ अभी डाल देना, सारा कुछ हल्दी नमक मिर्च सारा कुछ। चलो ये डालते। अब इसमें क्या डालना है? कितनी मिर्च डाले? मिर्च वो दूसरे डब्बे में है, वो जो पड़ा है वो स्टील का डब्बा। हाँ इसमें है मिर्च। कितनी मिर्च डालनी है? मिर्च बस ये आधा चम्मच डालें, बाकी ग्रीन ज्यादा डालनी। ये वाली? हाँ हल्दी वाला निकाल लें। हल्दी वाला हल्दी रहने दे। हाँ बस। हाँ फल और चून नहीं डाल। हल्दी कहाँ है? हल्दी रहने दे। थोड़ी सी डाल दें। थोड़ी 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 बिस्कुट। हाँ बस थोड़ा सा कलर के लिए बस। चूल्हा जलाएं आप? अभी आपने बर्तन भी धोने हैं बाद में। पहले ये बना के ऑयल तो डालें। कितना ऑयल डालें? ये इसमें ऑयल? हाँ ऑयल डालें। कितना ऑयल डालना? ढक्कन उतारे ना डालें। मैं बताती हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ। मैं कभी मैंने मेजरमेंट नहीं की इसके। डालें थोड़ा सा डालना और नहीं 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 डालने दो डालने दो। डालें डालें। हाँ ये आने दें, ये वाला पीस आने दें आने दें। बस हाँ काफी है इतना बस। नमक? नमक डालें इसमें एक चम्मच भर के। नमक लेके नहीं आए ना आप? नहीं, नमक मैंने कहा था नमक लेके आना। इसको ये जाता है इतिहास में नमक भी जाता। इसको हल्की आंच पकने देते हैं। ठीक है बेटा। चिकन डाल दें। चिकन मसाला भून के ना चिकन डाल दें। एक तो ईजन है ना, ईजन को उतार देना नीचे। ईजन उतरा बेटा, ईजन नीचे नहीं उतरा होगा ना। वाह वाह आप ही ईजन खाना बनाने हैं बाबा। मैं तो आता हूँ लेकिन बाबा को हिसाब जो लगा ना वो उतारने दो। सुभान को बड़ा शौक है बनाने। सबज मिर्च भी काट के डालनी है, अभी डालनी है ताकि चिकन में टेस्ट चला जाए। बाबा काट के मिर्च काट के डालें या नहीं? नहीं काट के डाले ना, फिर वो जायका चला जाएगा वो इसमें चिकन में। देखते हैं आज आप कैसे चावल बनाते हैं ध्यान से।
मुझे देर लगता है सुबह ठंड तेजी हजर का गर्मी है बेटा गर्मी है ना अब चिकन को भून लें अच्छी तरह चेयर तो उधर करो ना बेटा इसकी चेयर आगे कर दें उसको शौक आ रहा है तो चलो ध्यान से ये देखें सुभान को भी शौक है बनाने का सुभान आपको शौक है ना अब पापा कर लें थोड़ा सा अब मेरे बेटे का पापा कर लें चूल्हा तेज कर लें तेज आंच पे भून लें अच्छी तरह सुभान पीछे हो जा बेटा बेटा पीछे चम्मच चलाता हूँ जरा सा इस तरह ये चक्की ये जो इसके रेशे ना वो अच्छा घुल जाएंगे मटर भी डाल दें मटर भी चलो थोड़ा सा ना ये चमचे को ऐसे टेस्ट करें थोड़ा सा ऐसे फिंगर के साथ ना नमक मिर्च को लगा के ना ऐसे तेज होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रॉन्ग और नमक नमक भी स्ट्रॉन्ग है मैं चेक करूं दिखाए मुझे अच्छा जब पानी डालेंगे ना तब मैं दोबारा चेक करूंगी नमक मुझे कम लग रहा है पानी डालो कितना पानी डाल रहे बस अब ना इसमें आपने ना ये नहीं वो बड़ा कप वो जो पड़ा ना वो बड़ा कप में ये किया था मैंने कप एक कप हाँ ये तीन कप डालें पानी के एक कप था चावलों का वो अच्छे चावल है ना पकी बासमती के उसको ज्यादा पानी लगता आधा और डाल दें आधा काफी देर से भिगो के रखे हैं आधा डालें चलें बस ये बस अब इसको ढांप के रखते हैं जब बॉयल आएगा ना फिर चावल डाल दें ढक्कन दे दें ऊपर ये नहीं ये नहीं आएगा वो वाला है इसका ढक्कन वो जो उसके नीचे पड़ा बस इसको ढक के रख दें धो लें इसको बस जब बॉयल आएगा ना फिर बॉयल आ गया बस चावल डाल दें कोई बात नहीं हाथ लगा लें चावलों को कोई बात हाथ साफ है आपके धोए हुए हाथ के साथ साफ होगी परात सारे इकट्ठे करके डाल दें ऐसे ऐसे हाथ को करें ऐसे हाँ ऐसे चलो हो गया चलें बस अब उसको हिला दें एक दफा चम्मच को हाँ हिला दो सारे फैल जाए ना एक जगह पे इकट्ठे ना पड़े रहे चले हो गए चलो आप बाबा हिला अच्छी तरह से सारे ना कर दें एक बार बाद बेटा बस बस अब ढांप के रख देना अब इसको हिलाना नहीं बस ढांप दें अब इसको हाँ चूल्हा जरा हल्का करें कम कर दें चूल्हा
बस थोड़ा सा तेज करें, हल्का, बस अब ठीक है। बस अब पानी खुश्क होगा तो दम पे रख देने हैं, बस अच्छी तरह निचोड़ लें इसको, बस इतना पानी रह गया ना, अब दम पे रख देने हैं चावल। तो जैसे रोटियों के ऊपर रखते हैं फोर, नहीं ऐसे, चले ऐसे ही रख दें, कोई बात नहीं, चले हाँ रख दें। चलो अब आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, स्लो बिल्कुल, और कम करें, बस 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 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। बस चावल ये देखो, गर्मा गर्म चावल जी, आज मेरे मियाँ जी ने फर्स्ट टाइम चावल बनाए हैं, लेट्स सी कैसे होते हैं। चटनी भी दिखाएं जरा, यमी यमी। अच्छा अपने व्यूवर्स को तो बता दूं मैं खा के कैसे बनाए हैं। चटपटे मिर्चीले। हाँ जी चावल खा लिए, खा लिए चावल, खा रहा हूँ अभी। हाँ खा लो जल्दी करो, अजय बर्तन भी तोड़े हैं, बर्तन धोने हैं यार तुम। हाँ जी ठीक है, चावल तो खा लो।